सिकंदरपुर में क्रांतिकारी स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं गाट। पूर्व विधायक समेत ग्राम प्रधानों ने दिया समर्थन। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेश सिंह गाट ने क्रांतिकारी स्तर पर अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ गाट सिंह ने बहेरी, सीसोटार, सिवान कला, आदमपुर, गुसाईपुर, बसारिखपुर, कठौड़ा, लिलकर आदि गांवों में संपर्क किया। इस दौरान पूर्व विधायक दीनानाथ चौधरी, बहेरी के ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव, अमरनाथ इंटक कॉलेज के प्रबंधक भारतेंदु चौबे, रामभुवन चौबे, साहब सिंह, हुकुम सिंह, मिट्ठू सिंह, सुनील साहनी, मुजम्मिल विजय साहनी, भोला शेख, काफूल शेख, फिरोज खान, रामनाथ, जनसंपर्क के दौरान परमानंद खरवार आदि क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं ने अपना समर्थन बृजेश सिंह गाट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को दिया। बताते चले कि सिकंदरपुर विधानसभा में अभी भी कई दलों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वहीं कई भावी प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। इधर क्रांतिकारी स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए बृजेश सिंह गाट लगातार समर्थन जुटाते दिख रहे हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वर्तमान विधायक से नाराज कई भाजपा के नेता बृजेश सिंह गाट के संपर्क में हैं। इसी क्रम में भाजयुमो नवानगर उपाध्यक्ष सत्यम सिंह गुड्डू ने आज इस्तीफा देते हुए गाट के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया।